नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। जिस माँ ने मुझे लाल टीका लगाया, मेरे ऊपर तिलक किया और मैं काराकाट निकल गया यहाँ के लोगों की सेवा के लिए, मेरी माँ ने मुझे काराकाट को सौंप दिया। अब वो चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊँ। क्या जिस बेटे ने यह आशीर्वाद लिया अपनी माँ से, वो बेटा बैठ पाएगा क्या? ये बयान है दरअसल पवन सिंह के। इस समय देखिए पवन सिंह काफी सुर्खियों में है काराकाट सीट को लेकर के। जिस तरीके से यहाँ पर उनके ऊपर ये कहा जाता था या ये दबाव बनाया जा रहा था कि पार्टी से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर वो पार्टी उन्हें निष्कासित कर देगी, बीजेपी पार्टी उन्हें निष्कासित कर देगी, उसे लेकर पवन सिंह ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में बहुत सारी चीजें कही है, चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता। अब ये अगर कोई सोच रहा होगा कि मुझे यहाँ पर बोलना नहीं आता तो वो दरअसल गलत सोच रहे हैं। अगर मैं बोलने पे आऊँ तो बहुत कुछ बोल दूंगा, लेकिन मैं शांति में विश्वास रखता हूँ। मैं किसी भी तरीके की हिंसक चीजें नहीं चाहता, मैं अपनी बातों को शांति से रखना चाहता हूँ। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरा जो दिल है वो अगर किसी से नहीं मिला इसलिए मैं निर्दलीय हो गया। यानी आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर पवन सिंह का जो इशारा है वो कहाँ पर है। यही सारा है बीजेपी को लेकर के। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पवन सिंह को पहले आसनसोल से बीजेपी टिकट देती है और कहती है कि आप आसनसोल से जाकर के चुनाव लड़िए, ऐसे में यहाँ पर पवन सिंह काफी नाराज दिखाई देते हैं वो, क्योंकि वो मांग करते हैं कि उन्हें बिहार का काराकाट सीट चाहिए था, ऐसे में पार्टी उन्हें काराकाट की सीट नहीं देती है, जिसके बाद वो फैसला लेते हैं कि वो काराकाट सीट पर अकेले यानी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और उसी को लेकर के पूरी जो घमासान छिड़ी हुई है उसी को लेकर के है। यहाँ पर अपने निष्कासन को लेकर के पवन सिंह ने कहा है, मैं थोड़ी कोई पाकिस्तान में थोड़ी पैदा लिया हूँ जो यहाँ पर मुझे निकाल दिया जाएगा। यानी यहाँ पर सीधा साधा समझ लिए कि वो अच्छा खासा निशाना साध रहे हैं और अपने चुनाव को लेकर वो यही दाव पेश कर रहे हैं। वो यही कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकला हूँ, मेरी माँ ने मुझे तिलक किया है, मेरी माँ ने मुझे काराकाट को सौंप दिया है। और अगर कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बैठ जाऊं, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूं, तो वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो माँ ने इच्छा जताई है काराकाट सीट को लेकर के, तो वो चीज मैं पूरा जरूर करूंगा। यानी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे और कोई भी उन्हें यहाँ पर नहीं बिठा सकता। उन्होंने ये आगे ये भी कहा कि आरा काराकाट अलग। अब आप ये भी समझिए कि यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि वो आरा से चुनाव क्यों नहीं लड़े, क्योंकि वो आरा से हैं तो आप काराकाट क्यों चले गए। अगर आपको इतना ही आपको अपने चुनावी क्षेत्र से प्यार है, अपने राज्य के उस क्षेत्र से प्यार है जहाँ पर आपने जन्म लिया, तो आप आरा में जाके चुनाव लड़िए, आरा में आपने क्यों चुनाव लड़ा। बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल थे, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे। तो इस पर पवन सिंह ने ये कहा है कि आरा और काराकाट कोई अलग नहीं है, वो आसपास में ही है। और पवन सिंह ने यही कहा है आगे कि मैं जो भी पाया हूँ वो इज्जत से पाया हूँ। और यानी पवन सिंह ने यही कहा कि अगर मुझे बीजेपी पार्टी ने अगर अपने में शामिल किया था तो वो मैं इज्जत से गया था और मैं अपनी वापस भी पूरी इज्जत के साथ ही इस पार्टी से निकलना चाहता हूँ। यानी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर पवन सिंह बीजेपी के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने दीजिए, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर निकला हूँ और मैं बैठ नहीं सकता। अगर आप पार्टी से निष्कासित करने की बात कर रहे हैं तो आप पार्टी से मुझे निष्कासित कर दीजिए उसी इज्जत के साथ जिस इज्जत के साथ मैं पार्टी में गया था। इसे पूरी बयानबाजी को लेकर के पवन सिंह ने एक सीधा साधा ये आरोप लगा दिया है कि आप चाहे कुछ भी बोलिए, आप चाहे कुछ भी करिए, मैं यहाँ काराकाट सीट से चुनाव लड़ूंगा। इसे पूरे मामले को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर अगर जिस तरीके से यहाँ पर पवन सिंह अगर अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या इस तरीके से अगर निष्कासन की अगर बात हुई है तो क्या पार्टी उन्हें निष्कासित कर देगी? ये तो ये सवाल, अगर पार्टी उन्हें निष्कासित करती है तो क्या पवन सिंह के ऊपर वो जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्या उनके ऊपर दबाव बनेगा या फिर अलग तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा? और अगर ये पवन सिंह यहाँ पर चुनाव हारते हैं काराकाट सीट से, अगर निर्दलीय चुनाव लड़ करके, तो क्या वो दोबारा से बीजेपी की तरफ रुख करेंगे? ये इन चीज़ों को लेकर अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर कह सकते हैं। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।